हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपको पता है हम तैयारी करवा रहे हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और सीयूटी एग्ज़ाम के लिए। सभी बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास में हैं। सीबीएसई, आरबीएसई सबका टाइम टेबल आ चुका है और मैं तैयार करवा रही हूँ आपको सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपकी दो बुक हैं, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और दूसरी है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस। एक बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उस बुक के सारे चैप्टर्स बहुत ही ब्रीफ में और बहुत ही आसान भाषा में मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब जो हमारी सीरीज चल रही है वो चल रही है आपकी बुक जो आपकी इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, जो बात करती है सिंस इंडिपेंडेंस यानी व्हाट आफ्टर 1947। 1947 से पहले की कहानी आप अपनी पिछली क्लासेस में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो सिविक्स हो, एसएस हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ आपके रिलेट करके आपने हमारे नेशनल मूवमेंट के बारे में और कैसे इंडिया ने फ्रीडम ऑप्ट करी उसके बारे में पढ़ा हुआ है। 11th क्लास में आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और ये पढ़ा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने फ्रेम किया था। थोड़ा सा हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में यहाँ भी पढ़ा, हमारी जो पिछली वीडियोज है उसमें भी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ा सा मैटर आता है। लेकिन बेसिकली जो ये बुक है ये बात करती है कि 1947 की बात, यानी जिस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली विद द पार्टीशन, उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स में क्या 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 किस तरह से चेंजेस आए। अगर हम हमारी प्रीवियस क्लासेस की बात करें तो इसमें हमने दो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। एक तो हमने बात करी थी कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया 14 और 15 अगस्त मिडनाइट को, उसके बाद क्या क्या एक्शंस रहा, किस किस तरह से स्टेट बने, किस किस तरह से सरदार पटेल और वीपी मेनन ने मिलकर स्टेट को इंटीग्रेट करने में इम्पोर्टेंट रोल निभाया। आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पढ़ा था जो कि एक डॉक्यूमेंट था जिस पर उन प्रिंसली स्टेट्स ने साइन किए थे जो चाहते थे इंडिया में मर्ज हो जाए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में हमने फ्रेम पढ़ा था। हमने ये देखा था कि किस तरह से स्टेट्स को इंडिया में मर्ज किया गया और कैसे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद बेटा हमने पढ़ा कि 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इस्टैब्लिश करना। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इस्टैब्लिश करने के लिए क्या ज़रूरी होता है, इलेक्शन करवाना। तो इलेक्शन कमीशन फ्रेम किया गया, इलेक्शन कमीशन ने पहले इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस का रिजल्ट आया और हमें कांग्रेस की गवर्नमेंट मिली। और 1952 से लेकर 1967 तक का जो पीरियड था वो कहलाता है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये हमारे पिछले चैप्टर्स थे। जैसे आप स्लाइड पे देख रहे हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, दैट इज चैलेंजेस टू एंड रीस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। यानी 1952 से लेकर 1967 तक वन पार्टी डोमिनेंस था, ठीक है। उस वन पार्टी डोमिनेंस के बाद किस तरह से क्या क्या चैलेंजेस खुद कांग्रेस के सामने आए और उस कांग्रेस ने उन चैलेंजेस से लड़ते हुए क्या कांग्रेस का डिक्लाइन हुआ या डिक्लाइन के स्थान पर कांग्रेस ने अपने आप को एक अपलिफ्ट किया, मतलब वापस से कवर अप करके वापस से अपनी पावर को रिस्टोर किया। तो जब आप चाहे नाम पढ़ते हैं तो नाम से ही आपको चैप्टर की थोड़ी बहुत थीम समझ में आ जाती है कि ये चैप्टर इस चीज की बात कर रहा है कि किस तरह से 1967 के बाद कांग्रेस के सामने चैलेंजेस आए और उन चैलेंजेस को फेस करते हुए कांग्रेस कैसे वापस से अपनी पावर को रिस्टोर करती है। तो यहाँ की बीच की कहानी हमें पढ़नी है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ, पॉलिटिकल साइंस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टोरीज। कहानियां हैं छोटी छोटी, बस इंटरेस्ट लेके सुनते जाइए, समझते जाइए, आसान भाषा में समझिए, टिपिकल लैंग्वेज में लिखिए और अच्छे से अच्छे स्कोर लाइए। कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो एग्जामिनर भी डिमांड करता है कि आप उस आंसर में उनको पुट करें, तो वो चीजें भी आपको बताई जाती हैं कि जब आप इस तरह से ये आंसर लिखें। और बिल्कुल हम प्रीवियस क्वेश्चन की जो सीरीज है वो भी जल्दी लाने वाले हैं जिससे आपको ये आइडिया होगा किस किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या हमें उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या उनमें लिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अपने इस चैप्टर के साथ। लेकिन थोड़ा सा हम इस चैप्टर पे फोकस करें कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। थीम मैंने आपको इसको पिछले चैप्टर से रिलेट कर दिया है। पिछले चैप्टर तक हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ा था, याद आ रहा हो आपको। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि 1951 अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक इंडिया में इलेक्शन कमीशन क्या करवाता है, पहले जनरल इलेक्शन करवाता है और ये जनरल इलेक्शन बहुत ही सक्सेसफुली कराए गए थे। यानी हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया ने पहली बार इलेक्शन करवाए और वो इलेक्शन सही सही नहीं हुए थे। और मैंने आपको सबसे मेन रीजन बताया था
कि ये इलेक्शन बिल्कुल फ्री एंड फेयर थे, ये उन पीपल्स ने भी एक्सेप्ट किया जो इन इलेक्शन में डिफीट हुए थे। 1952 में पहले जनरल इलेक्शन होते हैं, 1950 आप 5 साल बाद होते हैं हमारे, 1957 में सेकेंड इलेक्शन, 1962 में थर्ड इलेक्शन और 1967 में फोर्थ इलेक्शन। इस तरह से 4 जनरल इलेक्शन हुए। इस चारों जनरल इलेक्शन में कौन पार्टी मेजोरिटी में रही? कांग्रेस पार्टी मेजोरिटी में। हाँ, कभी वोट शेयर ज्यादा, कभी वोट शेयर कम, इस तरह रहे, लेकिन यदि फिर भी हम कंपेयर करें ऑल अदर पॉलिटिकल पार्टीज, उनसे ज्यादा सीट रेशो और वोट रेशो किसके पास था? कांग्रेस के पास था। और इसीलिए इस पीरियड को क्या कहा जाता है? वन पार्टी डोमिनेंस। अब हम पढ़ते हैं आगे की कहानी। क्या कहानी? कि ये वन पार्टी जो डोमिनेंस थी, ये जो कांग्रेस की डोमिनेंस थी, क्या वो हमेशा चलती रही? क्या कुछ ऐसे पीपल्स या कोई ऐसा ग्रुप था जिसने कांग्रेस को भी चैलेंज किया हुआ? क्या ये माने कि उस पीरियड में कांग्रेस की डोमिनेंस इसलिए थी कि कांग्रेस जो भी कह रही थी सब सही था? क्या कांग्रेस ने कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लिया? क्या कांग्रेस का कभी किसी ने अपोज नहीं किया जो उसकी डोमिनेंस रही? ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, और इन्हीं दिमाग क्वेश्चंस को आंसर करता है आपका ये वाला चैप्टर। ये चैप्टर बेसिकली मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि इस चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन जो है आज का है, ये बताएगा कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है। तो देखिए बेटा, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में जो हमारे फोकस्ड पॉइंट होंगे, दैट आर चैलेंजेस फेस्ड बाय द कांग्रेस सिस्टम पोस्ट नेहरू। इट मींस कि जब देखिए 1964 तक नेहरू थे, ठीक है, 1964 में नेहरू जी की डेथ होती है। अब क्या हुआ? एक कद्दावर नेता कांग्रेस ने खो दिया, यानी जिनकी लीडरशिप में कांग्रेस अब रूल कर रही थी वो नेता उन्होंने खो दिया। अब क्या हुआ? नेहरू जी के जाने के बाद कांग्रेस ने किस किस तरह के चैलेंजेस फेस किए, ये हम देखेंगे। यानी पोस्ट नेहरू एरिया में, सॉरी पोस्ट नेहरू एरा में किस तरह से कांग्रेस को क्या क्या चैलेंजेस आए। उसके बाद हम देखेंगे पॉलिटिकल सक्सेशन। पॉलिटिकल सक्सेशन मतलब कि जब नेहरू की डेथ हो गई तो उसके बाद उनको सक्सीड किसने किया, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, और जिसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया क्या वो कॉन्ट्रोवर्शियल लीडर था या सभी लोग उसके नाम पर सपोर्ट कर रहे थे? अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गया तो क्या सब उसकी पॉलिसी से सहमत थे, और कितने लंबे समय तक वो प्राइम मिनिस्टर रहा? ये चीजें हम किस में पढ़ेंगे? पॉलिटिकल सक्सेशन में, जैसे बेसिकली हम लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी को इसमें हम पढ़ेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइसिस। इस पीरियड में भी क्या आते हैं? इकोनॉमिक क्राइसिस आते हैं, फाइनेंशियल इंडिया के सामने क्राइसिस आते हैं। यानी एक तरफ तो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, नेहरू जी की डेथ हो गई, पॉलिटिकल सक्सेशन में प्रॉब्लम आ रही है, और दूसरी तरफ क्या हो गया है? इकोनॉमिक क्राइसिस भी आ रहे हैं, फूड क्राइसिस भी आ रहे हैं, अकाल की भी स्थिति बनी हुई थी। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी कहाँ पर थी? इंडिया में थी। और फिर देखिए फिर क्या होते हैं? फोर्थ जनरल इलेक्शन 1967 में, मैंने आपको बताया फर्स्ट जनरल इलेक्शन 52, नेक्स्ट वन इज 57, थर्ड वन इज 62 एंड फोर्थ वन इज 1967। यानी 1967 में फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए, और इन इलेक्शंस के रिजल्ट से ऐसा लगा कि कांग्रेस के जो वोट शेयर है, जो सीट्स हैं, वो काफी कम हो गई हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कांग्रेस ने बनाई, 1967 में गवर्नमेंट कांग्रेस की बनी, आगे मैं चैप्टर में आपको बताऊंगी, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो उनका वोट शेयर था वो लगभग 100-125 सीट नीचे आ गया। यानी हम एग्जैक्ट डेटा तो हम पढ़ेंगे, लेकिन मान लीजिए अब आपको थर्ड जनरल इलेक्शन में 350 सीट मिली, तो फोर्थ जनरल इलेक्शन में आपको 258 के आसपास ही सीट मिली। यानी मेजोरिटी में तो हैं आप, लेकिन बहुत ज़्यादा आप ऊपर नहीं है मेजोरिटी से। और इसीलिए अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्शन वर्डिक्ट आया था 1967 का, जो इलेक्शन वर्डिक्ट आया था, इसको हमारे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में पॉलिटिकल अर्थक्वेक कहा जाता है, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसको दी जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपोजिशन यूनिटी, यानी जो अपोजिशन यूनिट हो रहा था कि हम कांग्रेस को कैसे करें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज बनी थी, वो इकट्ठी हो गई, और इकट्ठी होकर वो किसको चैलेंज करने लगी? कांग्रेस को चैलेंज करने लगी। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये आया, कांग्रेस इसलिए जीत रही है कि हमारा उसका जो हम चैलेंज करते हैं तो हमारे वोट शेयर बट बट के आधे हो जाते हैं, थोड़े से इसको, थोड़े से इसको, थोड़े से इसको, थोड़े से इसको। यदि हम सब एक हो जाएं तो ये सारे वोट जो हमारे अलग अलग आ रहे हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे, और हो सकता है हम स्ट्रॉन्ग अपोजिशन बन जाएं, या मे बी हम गवर्नमेंट ही बना ले। तो इसलिए जैसे करंट में आप देख रहे हैं इंडिया एक जो अलायंस बना हुआ है, ठीक है, वैसे ही उस वक्त भी अपोजिशन यूनिटी आई थी। लेकिन फिर क्या होता है, जब अपोजिशन की यूनिटी आई, जो अपोजिशन के लीडर्स निकल कर आए, वो भी कहां से निकल कर आए थे? वो भी कांग्रेस में से निकल कर आए थे। आप याद करिए, जब हमने एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ा था
तब मैंने आपको रीजन ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस पढ़ाया था कि क्या रीजन था कि कांग्रेस की डोमिनेंस रही। तो उसमें हमने देखा था कि जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स जिन्होंने नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, इंडिया के फ्रीडम दिलाने में इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वो सारे किसको ज्वाइन करा उन्होंने? कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस ही एक मंच थी 1885 में, 28 दिसंबर 1885 को स्टैब्लिश हो गई थी। तो जनता का झुकाव पूरा किस तरफ था? कांग्रेस की, वो उनके आइडियल्स थे, है ना, इन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की, हमें आजादी दिलाई, इतना संघर्ष किया, उनकी कहानी सब कुछ उन्होंने देखा हुआ था, तो जनता उनको बहुत चाहती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उस वो जो यूनिटी थी वो ब्रेक डाउन होने लगी, और जब कांग्रेस की ब्रेकडाउन हुई, विचारों में मतभेद हुआ, पॉलिसीज में ऐसा नहीं है कि एक पार्टी में सारे जो लीडर्स हैं वो हर मुद्दे पे सहमत हो, तो वहां पे विचारों में डिस्प्यूट हुआ। विचारों में डिस्प्यूट होने से क्या हुआ, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज और फ्रेम की गई कांग्रेस के अंदर से ही लोग निकलकर, ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ भी कांग्रेस के चयन, और कांग्रेस क्या होती है फिर स्प्लिट हो जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है, पढ़ेंगे हम आगे, ये तो मैं जनरल आपको इंट्रोडक्शन बता रही हूँ चैप्टर की। फिर हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे, डिफेक्शन, आया राम गया राम, जिसको हम कहते हैं दल बदल, ठीक है। डिफेक्शन क्या होता है, कैसे मीनिंग है इसको, किस तरह से किया जाता है, और एट प्रेजेंट क्या है कंडीशन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, ये भी हम पार्टी क्रॉसिंग या डिफेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और देखिए हाउ इंदिरा गांधी रिस्टोर द पार्टीज डोमिनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इंदिरा गांधी ने किस तरह से जो कांग्रेस पार्टी के सामने चैलेंजेस था और ऐसे लगने लगा था कि कांग्रेस डिक्लाइन होगी, उस डिक्लाइन को रोकते हुए क्या करा, अपनी पार्टी की डोमिनेंस को वापस से उन्होंने रिस्टोर किया। तो आइए आपको समझ में, थोड़ा सा लिंक करिए, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अगर बहुत आसान भाषा में बताऊं तो इतना पढ़ेंगे हम कि 1967 के इलेक्शंस के बाद कांग्रेस की जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज्यादा, या हम कहेंगे 1967 तो छोड़िए, हम ये बात करें कि नेहरू जी की डेथ के बाद से ही क्या हुआ, कांग्रेस के सामने नंबर ऑफ चैलेंजेस आने लगे। किस तरह के चैलेंजेस आए और कांग्रेस ने किस तरह से इन चैलेंजेस को फेस किया, और डेफिनेटली जो लाइन यहां पर आप देख रहे हैं, कैसे कांग्रेस अपनी जो पार्टी है उसकी जो पावर है उसको कैसे रिस्टोर करती है, इन चीजों के आसपास ये पूरा चैप्टर आपका रिवॉल्व करता है, पूरा चैप्टर रोटेट करता है। तो यही चैप्टर हमें समझना है, तो चलिए शुरू करते हैं एक नया चैप्टर। देखिए यहां आपने पढ़ा था, एक वर्ड आपने पढ़ा था, दैट इज कांग्रेस सिस्टम, ध्यान रखना आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अभी मैंने जो बताया लगभग उसी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कांग्रेस सिस्टम वर्ड किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो कांग्रेस सिस्टम वर्ड दिया गया है दैट इज गिवन बाय रजनी कोठारी, ठीक है, ये जो कांग्रेस सिस्टम वर्ड दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, रजनी कोठारी के द्वारा दिया गया है। कांग्रेस सिस्टम अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन, वन पार्टी डोमिनेंस मैंने आपको समझा दिया, अभी 1952 से लेकर 1967 तक यानी तीन जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी के पास वोट शेयर ज्यादा थे, सीट ज्यादा थी, तो इसी पार्टी की डोमिनेंस चलती थी। लेकिन बेटा यह ध्यान रखना इंडिया है मल्टी पार्टी सिस्टम फ्रॉम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, ठीक है, आपने हमने उस वाली बुक में सिंगल पार्टी, बाई पार्टी, मल्टी पार्टी तीनों सिस्टम मैंने आपको समझा रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडिया में शुरू से लेकर आज तक मल्टी पार्टी सिस्टम रहा है। हाँ कभी कभी चेंज होता है, ऐसा लगता है कि इंडिया मल्टी पार्टी से निकल कर बाई पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक कोएलिशन गवर्नमेंट की संभावना है, और इसी कोएलिशन गवर्नमेंट के कारण इंडिया को किस तरह की कैटेगराइज किया जाता है, मल्टी पार्टी सिस्टम की तरह इसको कैटेगराइज किया जाता है। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन, सेकंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन, तीनों जनरल इलेक्शंस में सीट सबसे ज्यादा किसके पास थी, कांग्रेस के पास थी, वोट शेयर सबसे ज्यादा किसके पास थे, कांग्रेस के पास थे, इसीलिए इस एरा को क्या कहा जाता है, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, और रजनी कोठारी ने इस एरा को कांग्रेस सिस्टम कहके कहा, और मैंने आपको बताया भी था उन्होंने अम्ब्रेला की तरह कल्पना करी है कि कांग्रेस एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सब कुछ समा जाता है, और उसी को छत्र छाया में, कांग्रेस की छत्र छाया में ही सब काम क्या हो रहा है, इसीलिए रजनी कोठारी क्या कहते हैं इसको, कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। अब देखिए अगली लाइन, 1967 स्टार्टिंग द ब्रेक डाउन ऑफ कांग्रेस, यानी कि 1967 में जो फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए, जो मैंने आपको बताया हमें कि उसके रिजल्ट पॉलिटिकल अर्थक्वेक के नाम से इंडिकेट किए जाते हैं, उसके बाद ये लगने लगा कि कांग्रेस जो है उसकी जो पावर है वो ब्रेक डाउन हो रही है, यानी कांग्रेस की शक्तियां कम हो रही हैं, कांग्रेस की शक्तियां क्षीण हो रही है, अब धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, और ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस धीरे 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 करते करते डिक्लाइन हो जाए। लेकिन उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर बनते इंदिरा गांधी, और अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, अपनी कुछ पॉलिसीज के साथ वापस से क्या करती हैं, कांग्रेस की पावर को रिस्टोर करती हैं, ठीक है। वेन अब देखिए क्या है ब्रेकडाउन ऑफ कांग्रेस, और यदि हम कांग्रेस सिस्टम की बात करें तो ये लाइन आपको बहुत ध्यान रखनी है, वेन कांग्रेस फेस चैलेंजेस विद इन कांग्रेस एंड एक्सटर्नल चैलेंजेस आल्सो,
बाहर के दुश्मनों से तो लड़ लें, घर के दुश्मनों से कैसे लड़े, है ना। तो वही चीज यदि हम देखें कि यहां हम कांग्रेस की कहानी पढ़ें तो दुश्मन सब तो नहीं गया, अपनी आइडियोलॉजी थी, अपने अपने थॉट्स थे, अपने अपने जो भी थे, उस कारण से कांग्रेस स्प्लिट हुई। तो जो कांग्रेस के सामने चैलेंजेस आ रहे थे तो वो बाहर से तो आ ही रहे थे, मतलब जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से शुरू से अपोज करते थे वो तो अपोज कर ही रहे थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो लीडर्स थे, जो कांग्रेस के साथ ही पनपे थे या जिनकी जन्मभूमि कांग्रेस थी, वो भी क्या हुआ, उन्हें भी धीरे धीरे कांग्रेस की जो आइडियोलॉजीज थी कुछ आइडियोलॉजीज समझ में नहीं आई और वो उससे अलग होते गए। तो कांग्रेस को अंदर से और कांग्रेस को बाहर से जो चैलेंजेस आए, वो चैलेंजेस के कारण क्या हुआ, कांग्रेस की पावर डिक्लाइन होती है। और यही चीजें हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। व्हाट इज द रीजन ऑफ डिक्लाइन ऑफ पावर ऑफ कांग्रेस, सम टर्मोलॉजीज हम पढ़ेंगे, जैसे सिंडिकेट हम समझेंगे कि सिंडिकेट क्या होता है, ठीक है। एक हम आप पढ़ेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट किस तरह होती है, कांग्रेस के सामने चैलेंजेस क्या थे, लाल बहादुर शास्त्री कैसे बने, इंदिरा गांधी कैसे प्राइम मिनिस्टर बनी, ये सारी कहानी हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बस कहानी की तरह सुनते जाइए और समझते जाइए। तो कहानी की शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं, कहानी की शुरुआत हम अपनी पिछली कहानी जहां से हमने अंत करी थी उसके बाद हम पढ़ रहे हैं। पिछला चैप्टर हमने अंत किया था कि तीनों जनरल इलेक्शन में कांग्रेस के वोट शेयर बहुत ज्यादा थे, तीनों बार कांग्रेस की जीत हुई और तीनों बार ही प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1947 से लेकर 1964 तक कौन रहे थे प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे थे। 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है और वहीं से कहानी में क्या आता है, ट्विस्ट आता है, क्लियर। तो चलिए अब हमें यहां से आगे की कहानी पढ़नी है। यहां तक की कहानी आ गई आपको समझ में, वन पार्टी डोमिनेंस तक हो गई, अब हम यहां से आगे की कहानी पढ़ेंगे। देखिए आगे की कहानी क्या कह रही है बेटा, डेंजरस डिकेड, है ना, खतरनाक युग। बहुत बार आपसे और जनरली मैं आपसे कहूंगी हर एग्जाम में जो भी आपका बोर्ड है, प्री बोर्ड है, उसमें पूछा जाता है व्हाई द 1960s डिकेड इज नोन एज डेंजरस डिकेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्री बोर्ड बोर्ड और आपके हाफ ईयरली जो भी आपके एग्जाम बच रहे हैं, ऑब्वियसली सीयूटी तो हमारा है ही मेन कंसंट्रेशन, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए डेंजरस डिकेड 1960s, द डिकेड ऑफ 1960 इज नोन एज डेंजरस डिकेड, यानी 1960 का जो दशक है, 1960 का दशक क्या कहलाता है, 1960 का दशक कहलाता है डेंजरस डिकेड, खतरनाक। अब देखिए हम देख रहे हैं कि रीजन क्या है, क्या रीजन है कि 1960 के डिकेड को डेंजरस डिकेड कहा जाता है। तो देखिए बेटा यहाँ पे समझने की कोशिश करना। अब हम जब 1960s के डिकेड की बात कर रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब 1960s डिकेड मतलब आप ये मान लीजिए 60 to 70, डिकेड का मतलब क्या होता है, दशक, 10 वर्ष का जो समय है उसमें ऐसी क्या घटनाएं घटी जिसके कारण से ये युग, ये दशक क्या कहलाता है, एक खतरनाक दशक कहलाता है। तो देखिए एक एक चीज समझते हैं। इंडिया हैड अ लॉस्ट अ मेजर वॉर विथ चाइना 1962 में क्या करता है, चाइना इंडिया पर अटैक करता है। वैसे आपका एक पूरा चैप्टर है इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन, वहां हम ये पूरी कहानी पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट आया तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके कुछ ही टाइम बाद चाइना में कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ, ठीक है। तिब्बत को लेकर इंडिया और चाइना में डिस्प्यूट होता है, लेकिन हम उस डिस्प्यूट को सॉल्व करते हुए भारत चीन के साथ मिलकर पंचशील के सिद्धांतों का निर्माण करता है 1954-1955 में। उसके बाद क्या होता है कि माओ अपनी इंपीरियलिज्म पॉलिसी को करते हुए तिब्बत पर अटैक करता है और जो दलाई लामा जो धर्म गुरु हैं उसको भारत जो है पॉलिटिकल असाइलम प्रोवाइड करता है, मतलब उन्हें जगह देता है धर्मशाला में हिमाचल में रुकने के लिए। तो उससे चाइना नाराज होता है और यहां से ये कहा जाता है कि चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है उनमें कुछ बिटरनेस आती है। उससे पहले यदि हम बात करें तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे गूंजते थे, है ना, यानी हिंदी चीनी क्या है, भाई भाई हैं। लेकिन बाद में चाइना को लगा और चाइना क्या करता है, एक तरफा अटैक करता है 1962 में और ऑब्वियसली भारत इस युद्ध में हारता है। दोनों तरफ से चाइना के द्वारा अटैक किया जाता है, एक लद्दाख वाला एरिया जिसको एक पोर्शन चाइना ने कब्जे में भी ले लिया जिसे अक्साई चिन कहा जाता है, और दूसरा नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जिसे हम अरुणाचल प्रदेश कहते हैं वहां से अटैक किया गया था। तो 1960 के डिकेड में सबसे बड़ी समस्या तो क्या आई, हम इसको खतरनाक डिकेड क्यों कह रहे हैं, यानी हमने हमारे भारत ने इस डिकेड में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए। तो एक चैलेंज तो क्या फेस किया कि वॉर होती और हम जीत जाते, जैसे हमने पाकिस्तान को चारों युद्ध में बिल्कुल निस्तनाबूद किया, तो अगर हम जीतते हैं तो कुछ फेवर में होता है। लेकिन 1962 का जो चाइना के साथ वॉर हुआ, इंडिया उसमें क्या होता है, हारता है।
दूसरी बात देखिए, सब्सिक्वेंटली जवाहरलाल नेहरू पास अवे एंड देयर वाज अ फियर ऑफ फॉलिंग डेमोक्रेटिक सक्सेशन विद इन इंडिया। सडनली क्या होता है, नेहरू जी बीमार तो चल रहे थे कि सब्सिक्वेंटली क्या होता है, इसके बाद दूसरी घटना हुई 62 में, ये हुई 64 में ये घटना हो गई, नेहरू जी पास अवेड हो गए। और पास अवेड होते ही क्या हुआ, एकदम से समस्या आ गई कि मान ली बहुत कद्दावर नेता आपके सामने और एकदम डेथ हो गई उसकी, तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है भाई उतने ही लेवल का जिस प्रधानमंत्री से पूरा देश चल रहा है, सबसे लंबे टैन्योर तक प्रधानमंत्री रहने वाले हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, और आज तक कोई ने उनकी जो ये टैन्योर है उसको चैलेंज भी नहीं कर पाया, आसपास भी नहीं आ पाया, चैलेंज की तो बहुत दूर की बात है। तो अगर हम बात करें तो इतना कद्दावर नेता हमारे देश ने खोया, तो अब प्रॉब्लम ये थी कि उसको जो रिप्लेस करे वो भी उसी लेवल का हो, है ना, और उस लेवल का नहीं तो फिर सब्स्टिट्यूशन ढूंढने में क्या हुई, प्रॉब्लम आई। तो दूसरा इस एरा में ये वाली प्रॉब्लम, अब देखिए क्या हुआ, 1964 में नेहरू जी पास जावे और प्रॉब्लम आई कि अब उनकी जगह किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और देखिए फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री, नाम सुन रखा होगा आपने, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम प्राइम मिनिस्टर एंड हैड टू फेस अ वॉर विथ पाकिस्तान 1965 एंड ग्रिम इकोनॉमिक क्राइसिस। सब्सिक्वेंटली लाल बहादुर शास्त्री पास अवे एंड इंदिरा गांधी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अभी पूरा हम पढ़ने वाले लाल बहादुर शास्त्री को, इंदिरा गांधी को, अभी तो केवल हम ये पढ़ रहे हैं, ये जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये आपको उस चीज का आंसर प्रिपेयर करवा रहा है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि 1960 के डिकेड को डेंजरस डिकेड क्यों कहा जाता है, तो ये सारे रीजन उसके लिए हैं। अभी हम सारे रीजन को एक एक करके एलोबरेट करके और पढ़ने वाले हैं। अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, कम्युनल एंड रीजनल डिविजन एक्सेट्रा, ये कुछ ऐसी समस्याएं थी जो अनसुलझी थी, यानी अभी तक भी वो पूरी तरह से सुलझ नहीं पाई थी। द पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस लीड टू दिस डिकेड बिकम अ कॉल्ड डेंजरस डिकेड। ये आपका पूरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई है, व्हाई द 1960s डिकेड इज नोन एज द डेंजरस डिकेड। देखिए वापस से सुनिए बेटा, 1960 का दशक भारतीय राजनीति में एक डेंजरस डिकेड, एक खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यदि एमसीक्यू में आएगा तो इस तरह से पूछा जाएगा, विच डिकेड इज नोन एज डेंजरस डिकेड, देन आंसर इज 1960s डिकेड। ओके, अगर और ब्रीफ में आ जाएगा या मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा, कोई चार दे दिए, कुछ अलग सा दे दिया, तो उसमें इस तरह से क्वेश्चन आता है, व्हाई द 1960s डिकेड इज नोन एज द डेंजरस डिकेड। क्लियर? तो देखिए डेंजरस डिकेड क्यों कह रहे हैं, आपको मैं बहुत इजी लैंग्वेज में बता दूं। पहली बात कि 1962 में चाइना अटैक करता है इंडिया पे और इंडिया उस वॉर को हार जाता है। सब्सिक्वेंटली क्या होता है, पंडित नेहरू वॉज पास्ड अवे एंड देयर इज अ प्रॉब्लम कम अक्रॉस सक्सेशन ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। थर्ड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा 1964 में, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन दो साल बाद ही 1966 में लाल बहादुर शास्त्री पास्ड अवे 11th जनवरी 1966। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें तीसरी प्रॉब्लम क्या हो गई, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, चलिए वो भी चलता रहा, डिकेड चलता रहा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो अनरिजॉल्व थी, अनसुलझी समस्याएं जो तब से थी और आज तक बनी हुई थी, उसने भी कहीं ना कहीं इस डिकेड को और डेंजरस बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो वही लास्ट लाइन कह रही है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, यानी राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक असंतोष के कारण क्या कहा गया, इस दशक को क्या कहा जाता है, खतरनाक दशक कहा जाता है, इसको डेंजरस डिकेड कहा जाता है। तो आइए बच्चों यहां तक बात समझ में, हमने क्या पढ़ा, व्हाई द 1960s डिकेड इज नोन एज द डेंजरस डिकेड। आ रहा है आपको समझ में, क्या पढ़ रहे हैं हम ये पढ़ रहे हैं 1947 से लेकर 1962 तक वन पार्टी डोमिनेंस था। 1967 में चौथे जनरल इलेक्शन होते हैं, चौथे जनरल इलेक्शन में कांग्रेस का वोट शेयर कम होता है और कांग्रेस के सामने चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या आते हैं भी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। अभी हमने क्या समझा, व्हाई द 1960s डिकेड इज नोन एज डेंजरस डिकेड, 1960 का जो दशक है उसको खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। क्लियर? हमने क्या पढ़ा पिछली वीडियो में, सॉरी पिछली क्लिप में, मैंने आपको क्या दिखाया जो पिछली स्लाइड थी उसमें, कि 27th मई 1964 को पंडित नेहरू वॉज पास्ड अवे। ठीक है, अब जब प्राइम मिनिस्टर पास्ड अवे हो गए तो अब ये चैलेंजेस आया, हु बिकम्स द न्यू प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वैसे तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि हर बार जनरल इलेक्शंस नहीं होते प्राइम मिनिस्टर्स की सीट वैकेंट होती है, तो जो मेजोरिटी पार्टी होती है वही डिसाइड करती है कि अगर अब ये प्राइम मिनिस्टर नहीं तो कौन प्राइम मिनिस्टर।
दोबारा इलेक्शन जो होते हैं वो तो तभी होते हैं जब लोकसभा का पूरी की तरह से विघटन हो जाए, सरकार पूरी गिर जाए, तो नए चुनाव करवाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर लोकसभा वही थी, ध्यान रखना बेटा, जनरल इलेक्शंस नहीं हुए हैं, जनरल इलेक्शंस वही चल रहे हैं 1962 वाले। उस वक्त जो पार्टी मेजोरिटी में थी वही पार्टी मेजोरिटी में है। उस पार्टी ने अपना एक लीडर खो दिया जो प्राइम मिनिस्टर था। अब प्रॉब्लम ये आई, हु बिकेम्स प्राइम मिनिस्टर आफ्टर दी नेहरू? तो याद हो गया होगा आपको, लाल बहादुर शास्त्री बिकेम्स दी प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं समथिंग अबाउट, सम वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री की बात करें तो आपको जैसे बता लग गया अभी, लाल बहादुर शास्त्री वॉज सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। व्हेन नेहरू पास्ड अवे 1964, द कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फाउंड देयर वॉज अ कॉन्सिक्वेंस इन फेवर ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। यानी क्या हुआ कि जब नेहरू पास्ड अवे हो गए तो जो पार्लियामेंट थी वो सभी पार्लियामेंट मेंबर्स एग्रीड थे किसके नाम पर, लाल बहादुर शास्त्री पर, मतलब अनकंट्रोवर्शियल लीडर थे। यानी ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में दो गुट बन गए, एक गुट कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाइए और एक गुट कह रहा है लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। ये सिचुएशन भी देखेंगे हम, कब देखेंगे, जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ होगी उसके बाद वापस से वही समस्या। देखिए फोर्थ जनरल इलेक्शन तो 1967 में होने, हर 5 साल में होते हैं, 52, 57, 62 और 67। लेकिन उस 62 से 67 के बीच में, 1962 से 1967 तक की कहानी आप सुनिए, 1962 से 1964 तक प्राइम मिनिस्टर कौन, नेहरू। 1964 से 1966 तक प्राइम मिनिस्टर कौन, लाल बहादुर शास्त्री, और फिर कौन, इंदिरा गांधी। हरी बस हमने यानी इन पीरियड में तीन प्राइम मिनिस्टर देखे। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा कि इलेक्शंस नहीं हुए हैं, इलेक्शन 1967 में ही होंगे जिन्हें फोर्थ जनरल इलेक्शन बोला जाएगा। तो यहां हमने क्या पढ़ा कि जब नेहरू पास जबे होते हैं तो पूरे पार्लियामेंट जो है विथ मेजोरिटी से किसको प्राइम मिनिस्टर चूज करती है, लाल बहादुर शास्त्री को, और नॉन कॉन्ट्रोवर्सी, कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं थी इनके नाम पर। यानी पूरी की पूरी कांग्रेस एकमत थी कि इनको क्या बनाया जाए, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। आप देख रहे हैं फोटो, ये कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। ही वॉज बॉर्न ऑन October 2nd। आपको पता होगा जब हम गांधी जयंती मनाते हैं तो गांधी जयंती के साथ ही हम शास्त्री जयंती भी मनाते हैं। यानी जिस दिन, जिस तारीख को, जिस दिन तो नहीं, जिस तारीख को महात्मा गांधी का जन्म हुआ उसी तारीख को किसका जन्म हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री का, इन यूपी इंडिया। आगे यहां तक समझ में, ये हमने बर्थ की बात करी इनकी। अब देखिए क्या हुआ, ये जो लाल बहादुर शास्त्री का पीरियड है इसमें इन्होंने देखिए दोनों चैलेंजेस देखे। क्या क्या चैलेंजेस देखा, एक तो इकोनॉमिक और फूड क्राइसिस। ठीक है, बहुत अन्न की बहुत कमी थी भारत में, और इन्होंने क्या देखा, अटैक ऑफ पाकिस्तान। ध्यान रखना 1962 का जो अटैक हुआ है, चाइना जब अटैक करता है तब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन 1965 में जब इंडिया और पाक का वॉर हुआ रिलेटेड टू द रन ऑफ कच्छ, कच्छ के एरिया को लेकर, तब प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लाल बहादुर शास्त्री। और आपको पता भी हो, ही वॉज कॉइन्ड द फेमस स्लोगन जय जवान जय किसान। ठीक है, जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। बाद में जय जवान जय किसान में जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा जोड़ा गया था जब उन्होंने परमाणु परीक्षण किया था। देखिए अब क्या हुआ, फूड क्राइसिस भी है और आप कह सकते हैं मिलिट्री बाउंड्री सिक्योरिटी की क्राइसिस भी है। इसी को देखते हुए इन्होंने क्या नारा दिया, जय जवान और जय किसान, जवान युद्ध से रक्षा करें और किसान फूड क्राइसिस से हमें बचाएं। इसको इस तरह से एक आप कह सकते हैं जागृति की भावना लाने के लिए, एंथुसियाज्म लाने के लिए इनके द्वारा क्या स्लोगन दिया गया, जय जवान जय किसान। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड फेस्ड टू मेजर चैलेंजेस, जैसे मैंने आपको बताया सीरियस फूड क्राइसिस एंड फेस्ड अ वॉर विद पाकिस्तान इन 1965 रन ऑफ कच्छ। ठीक है, कच्छ के रन को लेकर क्या हुआ था, ये युद्ध हुआ था। बेसिकली कहा जाता है कि पाकिस्तान का अल्टीमेट मोटिव तो जो हमेशा से रहा है कश्मीर रहा है, लेकिन फिर इस युद्ध को हम उस एरिया के नाम से जानते हैं, रन ऑफ कच्छ को लेकर। बट शास्त्री जी टैकल दिस चैलेंजेस इन वेरी एफिशिएंट वे। हम एक वॉर हारे हैं चाइना के साथ, लेकिन इंडिया उसके बाद कोई भी वॉर नहीं हारा है। पाकिस्तान के साथ चार हमारे डिक्लेयर वॉर हुई है और चारों के चारों में पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और इंडिया उस युद्ध को जीता है।
बट शास्त्री जी टैकल दिस चैलेंज इन एफिशिएंट वे. लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 11th जनवरी 1966 इन ताशकंद उज्बेकिस्तान. देखिए क्या होता है, 1965 में रन ऑफ कच्छ को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर होती है और उस वॉर को खत्म करने में मीडिएटर जो रोल प्ले करता है वो होता है यूएसएसआर, रशिया. हमारा हमेशा कह सकते हैं इतिहास से ही हमारा बहुत अच्छा मित्र रहा है. और इन दोनों के बीच ट्रिटी करवाने के लिए लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान दोनों को उज्बेकिस्तान बुलाया जाता है, ताशकंद, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद. और वहां पर एक एग्रीमेंट होता है जिसको क्या कहा जाता है, ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है. ठीक है, अगर हम ताशकंद एग्रीमेंट की बात करें तो ताशकंद एग्रीमेंट कहां पर हुआ, उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल क्या थी, ताशकंद. यहां पर बहुत सारे इश्यूज हुए, सब कुछ हुए. 10 जनवरी 1966 को ये एग्रीमेंट होता है. और देखिए लाल बहादुर शास्त्री भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी डेथ भारत से बाहर हो. 10 जनवरी 1966 को ये एग्रीमेंट होता है और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की डेड बॉडी उनके होटल के रूम में पाई जाती है. उनकी डेथ कैसे हुई कैसे नहीं हुई ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल इशू है. नंबर ऑफ यूट्यूब पर वीडियोज हैं, आप जाएंगे देखेंगे सुनेंगे तो कुछ डाउट होगा, कुछ क्वेश्चन मार्क्स आपके दिमाग में आएंगे. लेकिन हाँ, कुछ डेथ ऐसी हैं जो भी अनसुलझी पहेलियां हैं. 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है. लाल बहादुर शास्त्री के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है. एक आदर्श व्यक्तित्व वाले वो थे, रेल मिनिस्टर वो रहे थे. और उनके रेल मिनिस्टर जब वो थे तो उस पीरियड में 2 रेल एक्सीडेंट हुए और उन्होंने उन रेलवे जो एक्सीडेंट हुआ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी. आज को हम क्या होता है बेटा, अगर हमसे कोई गलती भी हो जाए तो हम सोचते हैं उसके सर पे टीकरा फोड़ दो, है ना, हम अपने ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते. लेकिन उस वक्त रेलवे मिनिस्टर होने के बावजूद भी उन्होंने उन एक्सीडेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली और अपनी पोस्ट से रिजाइन किया था. इंक्लूडिंग, अब देखिए, ही हेल्ड सेवरल इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, जैसे मैंने बताया, एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. मतलब आप देखिए, धनी देखिए, अब कहां कहां पे है वो, रेलवे और ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर रह चुके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रह चुके, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स रह चुके. एंड शास्त्री वॉज नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल एंड हिज एबिलिटी टू गेट थिंग्स डन. अगर आप शास्त्री जी की फोटो देखें तो सबसे कम हाइट के प्राइम मिनिस्टर भी कहा जाता है, है ना. तो जैसे आप लोग आजकल की भाषा में बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, कुछ उसी तरह कहते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री. ध्यान क्या क्या रखना है आपको बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चीजें ध्यान रखनी है जो मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ. पहला, लाल बहादुर शास्त्री वॉज सेकंड प्राइम मिनिस्टर. ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द डेथ ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू. लाल बहादुर शास्त्री वॉज अनकॉन्ट्रोवर्शियल लीडर, मतलब कांग्रेस फुल मेजोरिटी से, ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ कांग्रेस सपोर्ट द नेम ऑफ द लाल बहादुर शास्त्री एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया. लाल बहादुर शास्त्री फेस टू इंपॉर्टेंट चैलेंजेस, वन फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस इन इंडिया, एंड सेकेंड वन इन अटैक ऑफ पाकिस्तान, अटैक पाकिस्तान ऑन इंडिया 1965 रिलेटेड टू द विच एरिया, रन ऑफ कच्छ. और इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है ताशकंद एग्रीमेंट. वैसे तो ये जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस वाला चैप्टर है उसमें भी हम ये चीजें पढ़ेंगे, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर ऑफ रिविजन हो जाएगा हमारा. ताशकंद एग्रीमेंट किस किस के बीच हुआ, लाल बहादुर शास्त्री के बीच और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच. और इस एग्रीमेंट के तुरंत बाद ही क्या हो जाती है, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो जाती है. कहां पर, ताशकंद में. और ताशकंद क्या है, उज्बेकिस्तान की राजधानी. हाँ बच्चों, यहां तक समझ में. तो ये कौन थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, कब तक रहे ये प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर रहे 1964 टू 11th जनवरी 1966. यानी फिर से वही कांग्रेस के सामने चैलेंज, व्हाट आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द लाल बहादुर शास्त्री. अरे बच्चों समझ में, देखिए डिकेड हमारा वही 1960s का चल रहा है. 1960s के डिकेड में आपने क्या पढ़ा, पॉलिटिकल सक्सेशन में प्रॉब्लम्स आ रही थी. अब पॉलिटिकल सक्सेशन में प्रॉब्लम आ रही थी तो एक प्रॉब्लम रिजॉल्व करी, नेहरू जी के बाद सबने मेजोरिटी से किसको डिसाइड करा, लाल बहादुर शास्त्री. लाल बहादुर शास्त्री ने वेरी एफिशिएंटली टैकल कर ली दोनों प्रॉब्लम्स, फूड क्राइसिस, जय जवान जय किसान. जब भी हम जय जवान जय किसान बोलते हैं तो कौन याद आता है, लाल बहादुर शास्त्री. ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, सडनली बहुत ही आप कह सकते हैं अजीब से सर्कमस्टेंसेस में इनकी डेथ हो गई. प्रॉब्लम हुई, अब क्या करें, अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए. तो देखिए प्राइम मिनिस्टर तो बनते हैं इंदिरा गांधी, लेकिन मैंने आपको कहा था उस वर्ड पे ध्यान रखना, लाल बहादुर शास्त्री जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो वो अनकंट्रोवर्शियल लीडर थे, मतलब सब उनके नाम पर सहमत थे. लेकिन जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट होती हैं तो ये कहा जाता है वो अनकंट्रोवर्शियल नहीं थी. यानी अब लाल बहादुर शास्त्री के बाद कांग्रेस में कौन प्राइम मिनिस्टर बने,
इसके लिए दो नाम निकल कर आए, यानी आप कह सकते हैं दो ग्रुप बन गए, या आप कह सकते हैं कि अलग अलग तरह से दो नामों पर सहमति बनी, ठीक है, कि कुछ ने कहा ये बनेंगे और कुछ ने कहा ये बनेंगे, जैसे आप देख रहे हैं मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, गेट इमेजेस की थैंक यू, हमने वहां से इनकी फोटो ली है। अब देखिए यहाँ पर, अब जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई तो देखिए दिस टाइम देयर वॉज अ इंटेंस कॉम्पिटिशन बिटवीन मुरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। जब लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बने थे तब कोई कॉम्पिटिशन नहीं था, सिंगल मेंबर पर सभी सपोर्ट थे, लेकिन क्या हुआ जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तो उनकी डेथ के बाद किनके बीच में कंपटीशन होने लगा, इंटेंस कंपटीशन बिटवीन मुरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी डिफीटेड मुरारजी देसाई बाय सिक्योरिंग द सपोर्ट ऑफ मोर देन 2/3 ऑफ द पार्टीज एमपी, यानी कंपटीशन हुआ, ऑब्वियसली कंपटीशन होगा तो एक जीतेगा और एक हारेगा, कौन जीती, इंदिरा गांधी, और डिफीटेड कौन हुए, मुरारजी देसाई। लेकिन इसका मतलब नहीं है डिफीटेड हो गए, हम पढ़ेंगे मुरारजी देसाई को। 1977 में मुरारजी देसाई बिकम्स दी फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारी बात समझ, यानी 1952 से लेकर 1977 तक कौन प्राइम मिनिस्टर बनता था, कौन सी पार्टी का प्राइम मिनिस्टर बनता था, कांग्रेस पार्टी का, और 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी के प्राइम मिनिस्टर कौन बने, मुरारजी देसाई। वही बात तो अब याद आ रही है आपको मेरी बात, मैंने कहा था कांग्रेस के अंदर और बाहर से उसको चैलेंजेस आने लगे। अभी आप देखिए यहां पर दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, यानी दोनों ही किस पार्टी के हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन यहां पर हम क्या पढ़ते हैं, प्राइम मिनिस्टर 1977 टू 79 और नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट के पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया में, यानी भारत में पहली बार छठी लोकसभा के जब चुनाव होते हैं 1977 में, तो पहली बार केंद्र में, केंद्र की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, यानी प्राइम मिनिस्टर नॉन कांग्रेस पार्टी का बना, और कौन बना, मुरारजी देसाई। तो इतना समझ में आ गया होगा कि इन्होंने उस पीरियड में कांग्रेस छोड़ दी थी और दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, उस पार्टी से ज्वाइन चुनाव लड़ा और क्या बने, भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, वो कहानी तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहां हम बात करें कि 19 जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तो मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी में क्या चला, कॉम्पिटिशन चला, इंटेंस कॉम्पिटिशन था, और इस कंपटीशन में विजेता कौन हुई, इंदिरा गांधी। अब थोड़ा सा मुरारजी देसाई और इंदिरा गांधी के बारे में देखें, अगर हम मुरारजी देसाई की बात करें तो सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट, टुडे महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड आल्सो अ मिनिस्टर एट द सेंटर, यानी जो मुरारजी देसाई थे उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम करा था बॉम्बे स्टेट, ठीक है। बाद में तो आपको पता है हम पढ़ चुके स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन वाला पूरा, मैंने आपको टेबल बताई थी कि कौन सा स्टेट कब बना, डिवीजन हुआ, महाराष्ट्र गुजरात बना, लेकिन उससे पहले अगर हम बात करें तो ये बॉम्बे के क्या रह चुके हैं, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उन्होंने नेहरू की और शास्त्री की मंत्री परिषद में एज अ मंत्री भी, एज अ मंत्री भी काम किया हुआ है। और जैसे भी मैंने आपको बताया 1977 से लेकर 1979 तक ये इंडिया के पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर भी रहे, यानी भारत में पहली बार हुआ जब कोई नॉन कांग्रेस का व्यक्ति क्या बना, प्राइम मिनिस्टर बना, यानी 1952 से लेकर 1977 तक सत्ता हमेशा किस पार्टी के पास रही, कांग्रेस पार्टी के पास रही। आई बच्चों तक बात समझ में, इधर देखिए इधर कौन है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी की यदि हम बात करें, इंदिरा गांधी टुक द चार्ज आफ्टर द डेथ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी ने क्या करा, जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई तो प्राइम मिनिस्टर कौन बनती है, इंदिरा गांधी। बहुत लंबी चौड़ी इनकी कहानी है, दो चैप्टर में आपकी बुक ने कोशिश कराया समेटे, हम भी कोशिश करेंगे कि समेट लें, लेकिन अपने आप में शख्सियत हैं, पढ़िए सुनिए कहानियां देखिए, तो अपने आप पहले इनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि इनको गूंगी गुड़िया की जगह आयरन लेडी कहा गया, समझ सकते हैं आप, चेंजेस देखिए कहां इनको गूंगी गुड़िया के नाम से संबोधित किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को इतना पावरफुल, इतना मतलब क्या कि गूंगी गुड़िया बिकम्स द आयरन लेडी, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे, सारी चीजें आपके पास आने वाली हैं, और मैं हमेशा की कहती हूँ इंटरेस्टिंग है, कहानियां हैं, ऐसे हुआ ये हुआ ये हुआ, सुनते जाइए, अभी तक क्या बताया मैंने आपको, कोई चीजें याद करनी है क्या, कुछ भी याद नहीं करना, सारी कहानियां सुनिए, क्या कहानी पढ़ी हमने। 1947 में भारत आजाद हुआ, ठीक है, आजाद होने के बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रेम करनी थी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फ्रेम कर कब होगी, जब इलेक्शन कमीशन होगा, इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन में था 324, इलेक्शन कमीशन भारत में पहले जनरल इलेक्शन करवाता है 1952 में, 51 से 52 तक, पहले जनरल इलेक्शन से लेकर थर्ड जनरल इलेक्शन तक
कांग्रेस की डोमिनेंस थी, इसको हम एराव वन पार्टी डोमिनेंस कहते हैं। यानी यदि आप चीजों को लिंक करेंगे और आंख बंद करके सोचेंगे ना कि हमने क्या क्या पढ़ा, तो बेटा लिटरली आपको ऐसा लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस में कुछ याद करने का है ही नहीं। केवल एक बार वो कहानी दिमाग में बैठ जाए, उसी कहानी में से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मेरा मोटिव एनसीईआरटी रटाना नहीं, एनसीईआरटी समझाना है, और समझाना भी ऐसे कि लगे छोटी छोटी कहानियां बस सुनते जाओ, और वो भी कहानियां जो कहानी कम हकीकत ज्यादा है ना। कहानी में तो फिर भी आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये तो ऐसी कहानियां हैं जिनका संबंध हमारे इतिहास से, हकीकत है ये, है ना। कहानी तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि आप इंटरेस्ट लें और सुने। कहानी क्या, ये तो एक हकीकत है, हमारा पास्ट है, हमारा इतिहास है, जो हमें जानना चाहिए। अरे बात समझ में, पूरा इंडियन पॉलिटिक्स कैसे भारत जब गुलाम था तब से लेके आज तक, उसमें जो जो चेंजेस आए, जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई, वो सब हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो हमने क्या पढ़ा, 1952 में इलेक्शन हुए, प्राइम मिनिस्टर कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस की डोमिनेंस चल रही है। सडनली 1964 में पास हुए, प्रॉब्लम्स चालू। 64 में पास हुए, लेकिन इलेक्शन कब होने थे, 1967 में, कांग्रेस थी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी में, उसने पहले प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया, लाल बहादुर शास्त्री को बनाया। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर हुए तो क्या हुआ, फूड क्राइसिस आए, उन्होंने कहा जय किसान। पाकिस्तान ने अटैक किया 1965 में, उन्होंने कहा जय जवान, और स्लोगन बनाया जय जवान जय किसान। रेलवे मिनिस्टर थे जब ये अटैक हुआ 1965 का, तो वो एग्रीमेंट करने गए, जीत गए हम वॉर, और यूएसएसआर की मीडिएटरशिप पे हम कहाँ गए, ताशकंद गए, वहां जाके उन्होंने एग्रीमेंट किया, जिसको ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है। अगली सुबह इनकी डेथ हो गई, एक कहानी खत्म। अब दूसरी कहानी शुरू हुई, जब लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई तो फिर वही समस्या, वो बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। लाल बहादुर शास्त्री अनकॉन्ट्रोवर्शियल थे, लेकिन यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट हो गई, कुछ ने कहा मुरारजी देसाई बनेंगे, कुछ ने कहा इंदिरा गांधी बनेगी, कॉम्पिटिशन शुरू। कॉम्पिटिशन तो एक जीतेगा एक हारेगा, कॉम्पिटिशन हुआ तो मुरारजी देसाई हार गए, इंदिरा गांधी जीत गई, इंदिरा गांधी जीत गई तो प्रधानमंत्री बन गई। है क्या कुछ मुश्किल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई, मुरारजी देसाई हार गए, तो हमने थोड़ा थोड़ा सा दोनों के बारे में देखा कि मुरारजी देसाई कौन थे, चीफ मिनिस्टर रहे बॉम्बे के, मिनिस्टर संभाली उन्होंने, और 1977 से 79 तक इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, ये तुम आगे भी पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी की बात करें तो आपको सबको पता है कि इंदिरा गांधी वो थी डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। इंदिरा गांधी कौन थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, और उन्होंने जेल से अपनी बेटी को, जब वो नेशनल मूवमेंट के दौर में पंडित नेहरू जेल में रहते थे, तो इंदिरा गांधी को पत्र लिखते थे, तो शायद उस बुक भी उन्होंने पब्लिश करी थी, लेटर फ्रॉम फादर टू डॉटर, कुछ इस तरह की उनकी बुक भी पब्लिश हुई है, ठीक है। तो इंदिरा गांधी द डॉटर ऑफ जवाहरलाल नेहरू हैड बीन कांग्रेस प्रेसिडेंट। इंदिरा गांधी क्या रही हुई है, कांग्रेस प्रेसिडेंट रही है। देखिए बेटा ये वर्ड बार बार आएगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, हम यहाँ इंडियन प्रेसिडेंट की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हम कांग्रेस प्रेसिडेंट की बात करेंगे। यानी जो कांग्रेस होता था उसका भी एक सभापति होता था, अध्यक्ष होता था, जिसको कांग्रेस प्रेसिडेंट कहा था इन द पास्ट, एंड हैड ऑल्सो बीन यूनियन मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन इन शास्त्री कैबिनेट। यानी शास्त्री जी की कैबिनेट में ये क्या रही थी, केंद्रीय मंत्री वहां पर रह चुकी है। थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी का पास्ट में क्या था वो, और मुरारजी देसाई का क्या था। मुरारजी देसाई बॉम्बे के चीफ मिनिस्टर थे, इंदिरा गांधी कहीं की चीफ मिनिस्टर नहीं रही है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की डॉटर थी, और इन्होंने यूनियन मिनिस्टर के रूप में शास्त्री कैबिनेट में काम किया था। ये भी कैबिनेट के मेंबर थे, ये भी कैबिनेट के मेंबर थे, दोनों में प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट को लेकर कंपटीशन हुआ, और जब कंपटीशन हुआ तो वोटिंग हुई, और वोटिंग हुई तो मेजोरिटी से सिक्योर द मेजोरिटी 2/3 किसने जीती, इंदिरा गांधी ने जीती। आई बच्चों तक बात समझ में। अब देखिए ये क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये है सिंडिकेट कांग्रेस, कांग्रेस के दिग्गज नेता। आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंडिकेट लीडर्स, यानी सिंडिकेट से या सिंडिकेट कांग्रेस से या सिंडिकेट लीडर से क्या तात्पर्य है। तो देखिए बेटा क्या है सिंडिकेट लीडर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो देखिए ये सिंडिकेट कांग्रेस है, पहले इसका मतलब समझते हैं क्या है। सिंडिकेट वॉज द इनफॉर्मल नेम गिवन टू सीनियर इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हु एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कांग्रेस लीडर who were in control of the party's organizations. It included K. Kamraj, Neelam Sanjeeva Reddy, S. Nijilingappa and Atulya Ghosh. और भी number of leaders हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ important leaders हैं, आसान भाषा में समझिए।
चंडेरित क्या है, आपको बहुत इजी लैंग्वेज में ही याद रखना है कि कांग्रेस के सीनियर मोस्ट और इन्फ्लुएंशियल जो लीडर्स थे उनका जो ग्रुप था उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, सिंडिकेट कहा जाता है। आए बच्चों बात याद समझ में। देखिए मैंने आपको कहा है कि एग्जामिनर डिमांड करता है कि कुछ शब्द उस आंसर के लिए बहुत नेसेसरी होते हैं, तो आपको कुछ शब्द यहां पर लिखने पड़ेंगे, जैसे इनफॉर्मल नेम्स, इन्फ्लुएंशियल लीडर्स, ठीक है, सीनियर लीडर्स, ठीक है। ये सारे कौन हैं? ये वो लीडर्स हैं जो कांग्रेस में एट द टाइम ऑफ नेहरू तब से लेकर अभी तक इंदिरा गांधी तक कांग्रेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते आए हैं, और इन्हीं सीनियर लीडर्स का जो ग्रुप है उनको ही कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, सिंडिकेट कहा जाता है ना। आपसे पूछा गया है प्री बोर्ड में, बोर्ड के आप पेपर्स उठा के देखिए, या तो आपसे इस तरह पूछा जा सकता है, राइट द नेम ऑफ सिंडिकेट लीडर्स, आपको केवल नाम लिखना है ना, के कामराज, मुरारजी देसाई भी इसमें आते हैं, मुरारजी देसाई, के कामराज, एस निजीलिंगका, अतुल्य घोष, नीलम संजीव रेड्डी, ये हमारे प्रेसिडेंट बनेंगे, ठीक है, जब इंदिरा गांधी अपनी अंतरात्मा की आवाज का नारा देंगे इनके अपोज में, ठीक है, ये सिंडिकेट लीडर है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनती है तो देखिए जो ये सिंडिकेट लीडर्स थे उनका ये मानना था कि इंदिरा गांधी को एक्सपीरियंस कम है तो इनको प्राइम मिनिस्टर ना बनाया जाए। पहले इन्होंने सपोर्ट भी किया इंदिरा गांधी को, ठीक है, और जब दोबारा जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो ये अपोज भी करेंगे। लेकिन जो दूसरा ग्रुप था वो क्या चाह रहा था कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, मुरारजी देसाई को बनाए। तो इस तरह से जब ये डिविजन हुआ तो इस डिविजन के टाइम में एक वर्ड निकल कर आ गया जिसको क्या कहा जाता है, सिंडिकेट कांग्रेस। तो सिंडिकेट कांग्रेस क्या है, सिंडिकेट कांग्रेस उन सीनियर लीडर्स का और उन लीडर्स का ग्रुप है जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज में और जो कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करते हैं, यानी बहुत मतलब इनका आप कह जाइए कि जैसे तो कहते हैं ना किसी संगठन की जान यही व्यक्ति है। तो ऐसे जो सीनियर मोस्ट लीडर्स थे और जो इन्फ्लुएंशियल लीडर्स थे उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, सिंडिकेट कांग्रेस कहा जाता है। हाँ बच्चों यहाँ तक बात समझ में क्लियर। तो ये देखिए ये आपको ध्यान रखना है, और कुछ सिंडिकेट लीडर्स हैं, ये हैं के कामराज, आगे हम पढ़ेंगे इन्होंने कामराज प्लान दिया था, नीलम संजीव रेड्डी, इनके बारे में हम ये पढ़ेंगे कि इन्होंने वीवी गिरी के विपक्ष में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी ने इनके नाम को अपोज करते हुए वीवी गिरी को सपोर्ट दिया था और अंतरात्मा की आवाज। बस इसके बाद अगली जो वीडियो आएगी वो इन्हीं सबकी कहानी लेके आएंगे। एस निजीलिंगप्पा, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक, ये कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, और अतुल्य घोष, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप नोट कर लेना कि हम बात करें इंक्लूडेड के कामराज, ये जो के कामराज हैं ये क्या है, द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ मद्रास, ठीक है, ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मद्रास के, ठीक है। नीलम संजीव रेड्डी ये कहाँ के थे, मतलब कहाँ पोस्ट अचीव करी इन्होंने, आंध्र प्रदेश के, और ये प्रेसिडेंट भी बनेंगे हमारे, ठीक है। उसके बाद देखिए नीलम संजीव रेड्डी हैं ये, निजीलिंगप्पा द चीफ मिनिस्टर ऑफ मैसूर, ठीक है, उस वक्त मैसूर था, एंड अतुल्य घोष द प्रेसिडेंट ऑफ बंगाल कांग्रेस कमेटी, ठीक है, बंगाल कांग्रेस कमेटी थी, उसके प्रेसिडेंट कौन थे, ये थे अतुल्य घोष। तो इस तरह से आपको क्या याद रखना है, इन लीडर्स का नाम आपको ध्यान रखना है, ये सिंडिकेट लीडर्स हैं और इन लीडर्स के जो ग्रुप है उसको सिंडिकेट कांग्रेस कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद यदि हम बात करें तो इसके बाद आता है आपका फोर्थ जनरल इलेक्शन, ठीक है। फोर्थ जनरल इलेक्शन की यदि हम बात करें तो देखिए फोर्थ जनरल इलेक्शन में क्या हुआ बेटा, अभी तक मैं आपको बता के आई कि 1952 से लेकर 1962 का जो थर्ड इलेक्शन हुआ तब तक किसकी डोमिनेंस रही, कांग्रेस की। अब क्या होते हैं, फोर्थ जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है। फोर्थ जनरल इलेक्शन की यदि हम बात करें तो फोर्थ जनरल इलेक्शन किस पीरियड में हुए आपके, 1967 में, ठीक है। 1967 में जब ये फोर्थ जनरल इलेक्शन होते हैं तो देखिए इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। इम्पैक्ट क्या पड़ा, इम्पैक्ट ये पड़ा बेटा कि अब तक जो था, और ये जो जनरल इलेक्शन है दे एक्ट एज अ लैंडमार्क ईयर इन इंडियन पॉलिटिकल एंड इलेक्टोरल हिस्ट्री, यानी अब तक की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही उसमें सबसे बड़ा लैंडमार्क था। लैंडमार्क क्या था इसमें कि अब तक जितने भी इलेक्शंस थे वो किसने जीते थे, कांग्रेस ने जीते थे। 1967 का इलेक्शन भी कौन जीतेगी, कांग्रेस जीतेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई यहां पर कि कांग्रेस के जो वोट शेयर थे वो कम हो गए,
यानी लगभग 100 सीटें कांग्रेस की कम हुई। 100 सीटें कम क्यों हुई? क्योंकि एक वर्ड आता है नॉन कांग्रेसिज्म। ठीक है, नॉन कांग्रेसिज्म की यदि हम बात करें तो नॉन कांग्रेसिज्म जो वर्ड है वो दिया था राम मनोहर लोहिया ने। नॉन कांग्रेसिज्म बेटा क्या है? नॉन कांग्रेसिज्म क्या है? एक तरह से कांग्रेस की जो थॉट्स था उसको सपोर्ट ना करने वाले जो लीडर्स का ग्रुप बना उसको क्या कहा गया? नॉन कांग्रेसिज्म कहा गया था। ठीक है, तो ये हमने पूरा चैप्टर कवर करा। ठीक है, नॉन कांग्रेसिज्म को हम अगली वीडियो में फिर लेके आएंगे। उसके बाद अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका पार्ट 1 कंप्लीट हुआ है, पार्ट 2 लेके आएंगे। पार्ट 2 का स्टार्टिंग करेंगे हम 4th जनरल इलेक्शन के साथ। 1967 में 4th जनरल इलेक्शन हुआ। 3rd जनरल इलेक्शन में कांग्रेस के पास कितनी सीट थी? 4th जनरल इलेक्शन में सीट जो थी उसमें कितनी कमी आई, सीट रेशो में कितनी कमी आई, लेकिन फिर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। नॉन कांग्रेसिज्म क्या होता है, डिफेक्शन क्या होता है, किस तरह से कांग्रेस की पावर को चैलेंज किया गया, किस तरह से कांग्रेस ने अपनी पावर को रिस्टोर किया, ये हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी स्टूडेंट से एक ही रिक्वेस्ट कि बेटा अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है ना, आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत जल्द, मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा उसने प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, लेकिन अगर नहीं भी किया तो अभी भी समय देर नहीं गया, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई डाउट है, आप हमसे बात करिए, हम कोशिश करेंगे, मैसेज करिए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं या नहीं करे आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कमेंट करते रहिए ताकि आपके कमेंट हमें एक एनर्जी देते हैं कि हम अपने इस एक्शन को, अपना जो ये काम है उसको जारी रखें। और कोई सुझाव है, कोई डिमांड है आपकी, किसी पर्टिकुलर वीडियो को लेकर आपकी डिमांड है तो बिल्कुल हमें मैसेज करिए, कमेंट करिए, हम हर संभव आपकी कोशिश करेंगे मदद करने की। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जाम्स। मिलते हैं इसी चैप्टर की अगली वीडियो लेकर, कंप्लीट करेंगे हाउ द कांग्रेस रीस्टोर हिज पावर विद द फाइट विद द चैलेंजेस। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।